विवो S15 Pro जो कल ही लॉन्च हुआ है जो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है Samsung E5 फाइव फास्ट रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले फिफ्टी मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप स्लिम इन डिज़ाइन फ्लेक्सिप ग्रेड प्रोसेसर फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर दोस्तों आज मैं Vivo S15 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला जो कल ही लॉन्च हुआ है मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले हमारी चैनल में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला यू वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑफम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं बॉक्स के प्लास्टिक को हटा लेते हैं और ये ट्वेल्व जीबी रेम टू स्टोरेज वेरियंट है बॉक्स के ऊपर बड़ा सा S15 Pro का ब्रांडिंग मिल जाता है बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले फोन ही देखने को मिल जाता है और राइट साइड पे फोन का ब्रांडिंग दिया गया है उनका वेट इतना ज्यादा नहीं लगता है बॉक्स कंटेंट देखें तो यह वेट का पावर एडाप्टर जो USB टाइप A के आउटपुट के साथ आता है मैक्स आउटपुट 20W 4 एंपियर की मिल जाती है फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है बाकी सीम इजेक्ट टूल और टाइप सी टू ए केबल मिल जाएगा फोन के प्लास्टिक वेब को हटा लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की फोन का बैग देखे तो ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है इसके अलावा ब्लैक कलर भी मिल जाएगा फोन का बैग देखे तो मेट फिनिश मिल जाता है यानी फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे बॉटम में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है टॉप लेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है फोन की फ्रेम देखे तो स्लाइटली कॉड मिल जाती है इवन वॉल्यूम ब्रोकर एंड पावर बटन की डिजाइन भी राउंडेड दी गई है और फ्रंट और बैक दोनों कॉड मिल जाते हैं यानी फील काफी अच्छी मिलेगी और सिंगल हैंड से होल्ड करना भी काफी आसान होगा कंपनी ने इस डिजाइन को 60 डिग्री माइक्रो सरफेस डिजाइन का नाम दिया है फोन की फ्रेम आउट तो मिलेगी लेकिन उसके साथ बिल्ट में भी सॉलिड है क्योंकि फ्रेम यहाँ पे मेटल की मिल जाएगी फोन की थिकनेस करीब 8.55 पॉइंट mm की मिल जाती है और वेट करीब 188 हंड्रेड का है बैक में देखें तो टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे कैमरा मॉड्यूल टू लेयर्स में देखने को मिलेगा एक लेयर में दो मेन कैमरा और एलईडी फ्लैश मिल जाती है और दूसरे लेयर में कैमरा मिल जाएगा ओवरऑल फोन की डिजाइन प्रीमियम फोन की फील देती है विवो एस फिफ्टीन प्रो में डिस्प्ले की बात कर तो सिक्स इंच की एमोलेट डिस्प्ले मिल जाती है और ये कॉट डिस्प्ले है जो ईफाइव ल्यूमिनियस मटेरियल के साथ आती है रिजोल्यूशन फुल एच प्लस मिल जाएगा और रिफ्रेश रेट वन ट्वेंटी मिल जाती है और सिंगल फिंगर टच सैपलिंग रेट 1000 थाउजेंड हर्ट का मिल जाता है और मल्टी फिंगर टच सैम्पलिंग रेट 300 Hz का मिल जाएगा ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे 800 हंड्रेड तक मिल जाती है लेकिन मैक्स ब्राइटनेस लेवल 1500 हंड्रेड नीट्स तक मिल जाएगी यानी सनलाइट में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी और इतनी ब्राइटनेस ज्यादातर फ्लेक्सिफ फोन में ही देखने को मिलती है साथ में डिस्प्ले में एच डी आर टेन प्लस सर्टिफिकेशन मिल जाता है और एस डी एस आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है और डिस्प्ले में हंड्रेड परसेंट डीसीआई व्हाइट कलर गमूट मिल जाएगा यानी मोर नेचुरल कलर S15 Pro में परफॉर्मेंस की बात करें तो Mediatek Dimensity 8100 प्रोसेसर मिल जाता है और LPDDR5 मिल जाएगी और स्टोरेज UFS 3.1 इतना ही नहीं फोन में इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप मिल जाती है आप सोच रहे होंगे में चिप का का काम क्या है सबसे पहले तो आप ऑर्डिनरी गेम को हाई फ्रेम रेट पे खेल सकते हैं हाई फ्रेम रेट की गेम में स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी और साथ में पावर कंजम्पन भी कम होगा तो एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और मेन प्रोसेसर पे लोड भी कम होगा जैसे कि आप 90 एपीएस की गेम कर रहे हैं तो वहां पे वन ट्वेंटी रेट मिल सकती है और पावर भी कम होगा और फोन में लार्ज एरिया हीट डिसिपेशन सिस्टम भी लगी है करीब 44,389 स्क्वायर एमएम mm का एरिया हीट डिसिपेशन के लिए कवर किया गया है और हीट डिसिपेशन के लिए ग्रेफ थर्मल सीट का यूज हुआ है हाई एंड गेमिंग के बाद मैक्स टेम्परेचर करीब 44 डिग्री तक जाता है और Vivo S15 Pro में बैटरी की बात करें तो 4500 थाउजेंड की ड्यूल सेल बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 80W वेट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और फोन में फास्ट चार्जिंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है और बैटरी को जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्ज करने में करीब थर्टी फाइव मिनट से लगते हैं दूसरे फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इंडस्ट्री की हाईस्ट फ्रीक्वेंसी है गेमिंग में टी सेफ इफेक्ट मिल जाएगी। साथ में फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं विद हाई रेज ऑडियो सपोर्ट साथ में कनेक्टिविटी में एन पे नेव आईसी भी मिलती है वीवो की ए सीरीज कैमरा सेंट्रिक सीरीज होती है फोन में सुपर सेंसिटिव कैमरा सिस्टम लगी है रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सोनी डबल सिक्स कस्टम सेंसर मिल जाता है और सेंसर साइज वन बाई वन पॉइंट फाइव सिक्स इंच की लार्ज मिल जाती है यानी लो लाइट में अच्छी फोटोज मिलेगी सेकेंडरी ट्वेल्व मेगा का अल्ट्रा वाइट सेंसर मिल जाता है जो माइक्रोलेंस का भी काम करता है और आखिरी में दो मेगा का डेप्थ सेंसर मिल जाता है फ्रंट में थर्टी टू का सेल्फी सेंसर मिल जाता है जो ऑटो फोकस के साथ आता है और कैमरा ऐप में बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं और दोस्तों मैं कैमरा का डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं तो देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन की की तो इंडियन रुपीज में करीब 39,000 से शुरू होती है जो काफी ज्यादा है कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले सुपर मिल जाती है डिजाइन भी प्रीमियम मिलती है परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा कैमरा एबो एवरेज मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग भी अच्छा मिल जाता है बस प्राइस बहुत ही ज्यादा है सबसे सब पहले देखने के लिए और अगला क्यू भी देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे सब पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड कर दें दोस्तों मिलते अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अ ग्रेट एंड कीप स्माइलिंग